बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये लाइन तो नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कई साल पहले दिया गया था। अब इसी लाइन में थोड़ा सा संशोधन और जीतन राम मांझी की एक तस्वीर के साथ लगा एक पोस्टर पटना की सियासत में एक ट्विस्ट ला दिया है। दरअसल नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। नीतीश एक बार फिर लालू का साथ छोड़ बीजेपी के साथ जाने को तैयार है। इस बीच बिहार की राजधानी पटना में एक पोस्टर सुर्खियां बटोर रहा है। पोस्टर में जीतन राम मांझी और उनके बेटे के साथ एक और नेता की तस्वीर लगी है। साथ ही पोस्टर में सिर्फ दो लाइनें लिखी हैं, लेकिन यही दो लाइन नीतीश और बीजेपी की चिंता बढ़ा चुकी है। मांझी की तस्वीर के साथ लगे पोस्टर में नीतीश कुमार की एक लाइन बिहार में बहार है और दूसरी लाइन में बिना मांझी सब बेकार है लिख बिहार में कुछ और संदेश दे रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर किसने और क्यों ये पोस्टर लगाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि मांझी पहले से ही एनडीए का हिस्सा है और एनडीए में नीतीश की वापसी पर किसी तरह की कोई आपत्ति भी नहीं जताई, फिर वो इस पोस्टर के साथ क्या संदेश देना चाहते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस तस्वीर में लालू कनेक्शन नजर आता है। जी हाँ, लालू कनेक्शन। दरअसल नीतीश के सियासी पाला बदलने के बीच लालू ने भी परिस्थिति के लिए कमर कस ली है। ऐसी खबर है कि रावड़ी आवास पर राजद की मैराथन बैठकें हो रही हैं। आरजेडी प्रमुख ने अपने विधेयकों से किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है, साथ ही मोबाइल फोन चालू रखने को भी कहा है। इस बीच खबर आई कि राजद ने मांझी को सीएम बनने का ऑफर दिया है और कहीं ना कहीं पटना में लगा ये पोस्टर भी यही दर्शा रहा है, बिना मांझी सब बेकार है। इस लाइन के साथ कहीं ना कहीं मांझी एनडीए को संदेश देना चाह रहे हैं कि मतलब कि सीएम पद पर दावेदारी। हालांकि चार विधायकों के साथ मांझी एनडीए और आरजेडी के साथ कितना मोलभाव कर सकते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आरजेडी के ऑफर और नीतीश की मनमानी के बीच मांझी ने एक नई लकीर खींच दी है। आपको बता दें, बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा सेक्युलर के पास चार विधायक हैं और सांसद एक भी नहीं। खबर है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया। हालांकि जीतन राम मांझी ने इस ऑफर की बात को महज अफवाह करार दिया है। जीतन राम मांझी इससे पहले भी कह चुके हैं कि उन्हें राजद या महागठबंधन के साथ नहीं जाना। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।